आरपी भारत केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। कोबरा 203 वाहिनी द्वारा पिछले अप्रैल मई माह से सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत गांव के जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री वितरित कर सहायता पहुंचाई जा रही है। नागरिक सहायता कार्यक्रम में खाने पीने की सामग्री के साथ साथ एक सैनिटाइजर, एक हैंड वॉश प्रति परिवार प्रति सदस्य, दो फेस कवर, चार डेटॉल साबुन दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को कोबरा 203 वाहिनी के रिपू बरही ने पंचमाधव पंचायत के जरैया ग्राम के 146 परिवारों के बीच सामान वितरित किया। इस अवसर पर 203 कोबरा के द्वितीय कमान अधिकारी अमित कुमार ने लोगों को वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के आवश्यक निर्देशों को भी बताया। उन्होंने बताया कि कोरोना की लड़ाई एक लंबी लड़ाई है, इससे बचने के लिए हमें अपने आप को तैयार और सजग रहना पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है कि हम आपस में एक निश्चित दूरी बनाकर रखें। जब भी बाहर जाएं या एक दूसरे के सामने आए तो फेस मास्क लगा कर रखें, लगातार हैंड वॉश करते रखें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। उन्होंने कहा 203 कोबरा वाहिनी विपदा की इस घड़ी में ग्रामवासियों के साथ खड़ी है। झारखंड के बरही से अमित सोनी एवं कुनकुन की रिपोर्ट। आज जरैया में सिविक एक्शन प्रोग्राम हमने आयोजित किया था, पिछले दो ढाई महीने से हम लगातार चालू कर रहे हैं, जारी है। और इसी क्रम में हमने हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश, साबुन और मास्क लोगों में वितरित किया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को किसी तरह से सैनिटाइजेशन तो प्रोवाइड करते हुए इस बीमारी से अपने आप को बचाना, लोगों को बताना, और अगर उन्होंने अपने आप को बचा लिया तो अपने परिवार को बचाने के साथ इस देश को बचा लिया। तो मुख्य उद्देश्य इंडिविजुअल को अपने आप को बचाना और उन्हें इस बात की सीख ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना कि इस देश की सुरक्षा में हर आदमी का ये भीड़ इकट्ठा नहीं करें, एक एक करके नहीं, आगे बढ़ाते हुए हम आगे जा रहे हैं। इस विषय में मैं ये बोलना चाहूँगा, लोगों से यही अपील है कि भले ही लॉकडाउन सरकार की तरफ से हो गया है क्योंकि तो उनके अपने अलग उद्देश्य भी हैं, ज़रूरी भी है लॉकडाउन को ख़त्म करना, लेकिन लोगों के बीच यह एक संदेश जाना चाहिए, लॉकडाउन भले ही ख़त्म हो गया लेकिन हमें अपनी सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, इसका ध्यान रखना है क्योंकि कोरोना अभी भी देश से गया नहीं। और हमारा लॉकडाउन जितने हम मार्च से हम सफ़र कर रहे हैं, जितने तरीके से हमें परेशानियां हुई, इस संघर्ष हमारी विजय हो, यही सरकार का उद्देश्य है, हमारा भी। तो इस जागरूकता के साथ कि आप अपने हाथों को लगातार धोते रहें और कोरोना से सुरक्षित रहें, यही सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य है, संवाद लोगों तक पहुँचाना चाहिए। जरैया गाँव में आज को प्रोग्राम किया गया, इस विषय में क्या बोलना चाहते हैं? हम ये प्रोग्राम आज पहली बार नहीं कर रहे, कंटिन्यू हमारा नेक्स्ट मंथ से, वन मंथ से चालू है। इसके माध्यम से हम लोगों के बीच में ये जागरूकता पैदा करते हैं कि इस महामारी से कैसा बचा जाए और फोर्चे जो सुरक्षा के अलावा उनको एहसास हो कि सुरक्षा की घड़ी में, हमारे संकट की घड़ी में भी हमारे साथ खड़ी हुई है, इसलिए कंधे से कंधे मिलाकर काम करती है और जीवन यापन में काम आने वाली वस्तुएं भी हमारे लिए उपलब्ध कराती है आम जनता के लिए। और इससे क्या आम जनता के और खुद के बीच की जो कड़ी है, सामंजस्य, सद्भाव है, वो और भी गहरा होगा। इस विषय में क्या बोलना चाहते हैं? इस कोरोना महामारी में जो यो जो कोबरा के द्वारा जो सराहनीय प्रयास चल रहा है इस कोरोना महामारी से बचने के लिए, ये पूरे पंचायत में, पंचमाधव पंचायत में खास करके स्पेशली कोबरा केयर कर रही है और यहाँ से बचने के लिए एक से एक उपाय बता रही है लोगों को। और उसके साथ साथ ही सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, मास्क वगैरह वितरण करके इस महामारी को बचाव करने हेतु एक उत्तम प्रयास कर रही है। और इसके लिए हम पूरे ग्रामीणवासी, जरैया के ग्रामीणवासी तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया और धन्यवाद देते हैं कोबरा वाहिनी को कि आप जरैया जैसे छोटे गाँव को इतने मेहनत कर इस कोरोना महामारी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही पूरे बरही विधानसभा में कोरोना से बचने के लिए इस जो कोबरा वाहिनी का जो एक प्रयास है बहुत ही अद्भुत है, सराहनीय है, बहुत ही सराहनीय है। मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद।